फ्रेंड्स, तो हम लोग सुबह सुबह आज रनिंग करके हम लोग आ चुके हैं श्री रामपुर के जगन्नाथ मंदिर की तरफ। और ये है हमारे भगवान श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर और यहाँ के आसपास का एरिया, लोकल एरिया। यहाँ हम लोग रामपुर बरतला से रनिंग किए और यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए स्टॉप किए हैं और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से रनिंग करके फिर वापस बरतला की ओर जाएंगे। थोड़ा हम लोग प्रणाम करते हैं और इसके बाद जाएंगे ये द्वार, जो कि जगन्नाथपुरी के बाद सेकंड नंबर स्थान पे आता है। जय हो बाबा। वो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का प्रतिमा को रखा गया है और यही है वो मंदिर। इसका निर्माण किया गया हाल फिलहाल में ही और आसपास में भी कुछ कुछ खंडहर है, थोड़ा मोड़ा रिनोवेशन करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा व्यू है वहाँ का, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, सब चीज़ का प्रोटेक्शन है। अभी नया नया हाल फिलहाल में ही इनऑर्गेनाइज किया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग यहीं पर आकर अभी रनिंग करके आए। बड़ा सा एक गेट है, देखिए वो गेट का रिनोवेशन हो रहा है। और ये हमारे जगन्नाथ टेम्पल श्रीराम, पूरा इंडिया में श्रीराम पुरी के बाद ये सेकंड नंबर स्थान पे आता है। ये जगन्नाथ टेम्पल्स बहुत ही बड़ा है, भव्य सा है। इसका इनॉग्रेटेड इसी साल की साल किया गया था। कहा जाता है कि पुरी के मंदिर में ये जो फ्लैग है हवा के एकदम हवा के डायरेक्शन में ही होता है, फ्लैग होस्ट होता है हमेशा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आके पूजा पाठ करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग और लोग यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है। लेकिन मॉर्निंग का समय तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे फॉग पड़ा हुआ है, पूरा चारों तरफ कोहरा कोहरा पड़ा हुआ है। सुबह सुबह हम रनिंग करके यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। फ्रेंड, ये मंदिर है और यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, पूजा पाठ होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और आके यहाँ पर अपना पूजा पाठ करते हैं और बैठे रहते हैं। फ्रेंड से ये जगन्नाथ टेम्पल देखिए, यहाँ पर प्रतिमा की रखी गई। जय बाबा जगन्नाथ। वाह, क्या प्रतिमा है। यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की टेम्पल रखा गया, उनके भाई और बहन को भी रखा गया है। सीता जी और उनके भाई बलराम को भी यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है। और फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा व्यू है। आप लोग आगे कभी यहाँ पर टाइम को स्पेंड कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये उनका मंदिर भगवान जगन्नाथ का। और हम लोग सुबह सुबह रनिंग करके यहाँ पर आए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे भोगों का भी सिस्टम है पूरा और बहुत ही नया इनॉग्रेट किया गया है। फ्रेंड्स देखिए पूरा कितना यहाँ पे बजरंग बली का भी मंदिर है और भगवान शंकर का भी मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर है, पूरा बढ़िया इसको इनॉग्रेट किया गया है। स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया प्रदान किया गया है इन सब मंदिरों का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का भी यहाँ पे है, माँ शारदा भी है, विवेकानंद भी है। और इस साइड में भी कुछ मूर्तियाँ रखा हुआ है फ्रेंड्स। और मॉर्निंग में बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं मंदिरों में दर्शन के लिए। और यही है मंदिर का पूरा चारों तरफ से व्यू। फ्रेंड्स देखिए, ऊपर तक मंदिर, फिर नीचे उसका ऊपर उसका गुंबद, नीचे में पूरा बैठने का पूरा जगह होगा बनाया गया कि मंदिर में लोग आके यहाँ पर बैठ सके। और यहाँ चारों तरफ मंदिर के आसपास का व्यू है। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल में आए हुए थे और आप लोगों को व्यू दिखाया। फ्रेंड्स, अब अभी हम लोग पूरा पसीना पसीना हो गया पूरा बॉडी, तो रनिंग करके हम लोग आए हैं वहाँ पर तल्ला से अभी यहाँ पे, और फिर वापस रनिंग करके फिर वहीं पर जाएंगे। तो रास्ते में जाते समय हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि वो रथ कहाँ पर रखा हुआ है अभी भी, जो कि रथ मेला में हम लोगों को चलाया जाता है। और बहुत ही अच्छा लगता है रथ मेला में, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। फिर आप लोग कभी आइए और आके यहाँ पर इस स्थान को देखिए। श्रीरामपुर में है महेश नागपुर जी का, हमको जगन्नाथ टेम्पल जाना है, तो कहीं भी आप लोग जा सकते हैं श्रीरामपुर कराने के पास। तो फ्रेंड्स, आप लोग रेडी रहिए और हम लोग अभी रथ को दिखाएंगे। मंदिर में हम लोग आए हुए थे और हम लोग अब मंदिर से अब जा रहे हैं। फ्रेंड्स, भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद ले लिए हम लोग, आप लोगों के लिए भी लिए आशीर्वाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग लगे रहिए और हम लोग तब तक ही जाते हैं और हम लोग रास्ते में जो रथ जाते हैं तब दिखाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा चारों तरफ एक पार्क टाइप में बना कर रखा गया है। मैंने यहाँ पर पार्क नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि पार्क में बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ सजा कर रखा गया है। मंदिर का बहुत ही अच्छा व्यू है। फ्रेंड्स,
पूरा व्यू आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। हमको तो बहुत ही अच्छा लगा मंदिर। आप लोग भी आगे कभी इससे विजिटिंग कीजिए। हालांकि उस फ्लैग को देख कर और मज़ा आ रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा। फ्रेंड्स तब हम लोग चलते हैं। मंदिर से हम निकल चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल से, और हम लोग अब जाकर रथ जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर हम लोग अब जाके आप लोगों को रथ को दिखाएंगे कि फ्रेंड्स यही है ये द्वार यहाँ पर ऑर्गेनाइजेड हो रहा है, और हम लोग जाके आप लोगों को रथ को दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा रथ को, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को रथ देखने में मज़ा इसलिए आया क्योंकि रथ का मज़ा ही कुछ और है। आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स जरूर। फ्रेंड्स यही वो रास्ता है जहाँ इसको जीटी रोड बोलते हैं हम लोग, यहीं से हम लोग का जाने का रास्ता है। यही ये रास्ता के बगल से ही एक यहाँ से रास्ता देखिए टर्न हुआ इधर की तरफ में, और यहाँ पे आप लोग यहीं से जगन्नाथ टेम्पल की ओर जा सकते हैं। और हम लोग का वहाँ पे साउंड बहुत कम आ रहा था क्योंकि मंदिर था, मंदिर में इतना लाउड अलाउ नहीं होता है। हम लोग सब मैनरों को पालन रखती है, और यही नया गेट बनाया गया है जगन्नाथ मंदिर, यहीं से एंट्रेंस होता है फ्रेंड्स। तो यही जीटी रोड है, जीटी रोड में यहीं तक महेश है, इसके बाद महेश के बाद और भी कुछ आ जाएगा। और देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स दूर से ही रथ दिख रहा है, हालांकि बहुत मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय इसलिए कुछ बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। और हम लोगों को थोड़ा फोटो लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या वीडियो करने में, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। वही मंदिर है वहाँ पर दिख रहा है धुंधला धुंधला करके, क्योंकि कोहरा चारों तरफ पड़ा हुआ है, और हम लोग सुबह सुबह ही आ चुके हैं आज दौड़ के। ये पूरा मार्ट यहीं पर मेला लगता है जगन्नाथ टेम्पल का, जब पूजा होता है भगवान जगन्नाथ की, जब पूजा होता है मई जून जुलाई के समय में तभी रात यहाँ पर चला जाता है, और यहीं पर मेला लगता है। जो खाली जगह देख रहे हैं पूरा बड़ा मेला लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, पूरा सड़क भर जाता है, पूरा सड़क तो भर ही जाता है। यही है हमारा रथ, यही रथ तीन तल्ला चार तल्ला जो भी है रथ, यही हम लोग यहाँ से खींच के हम लोग मासीपाड़ी की ओर लेकर जाते हैं फ्रेंड। और मासीपाड़ी में जाने के बाद वहाँ पर भगवान, यहाँ से भगवान कृष्ण को यानी जगन्नाथ को उठा के उनके मासी मैंने मौसी के घर पे लेकर जाया जाता है। हालांकि यह पूरी के बाद सेकंड नंबर पे आता है पूरे भारत में, और बहुत ही अच्छा से आयोजन किया जाता है यहाँ पे। पूरा रथ यहाँ इसी सड़क पे रथ खींचा जाता है फ्रेंड्स, और इसी में खींच के आगे की ओर लेकर जाया जाता है इन्हें मासी बाड़ी के घर। और इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा स्टोरी है फ्रेंड्स, इतना डिटेल्स में जाना अच्छा बात नहीं है। तो आप लोग रथ को देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रथ को पूरा जूम करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, और आप लोग कभी अगर आए तो बहुत ही अच्छा है। और अभी इस बार में खड़े हुए हैं, एक बार कभी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड्स हम लोग रथ में कैसे चढ़े थे, रथ में खींच रहे थे अगल बगल में। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाउड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रक चलती है, जीटी रोड है ना, इसीलिए फ्रेंड्स आप लोग आगे चलिए हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे मासीबाड़ी कहाँ पर है वहाँ आगे की ओर। मासीबाड़ी है तो रनिंग करके हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, बाय। रनिंग करते करते आ चुके हैं मासीबाड़ी में, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ से लगभग वहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ये मंदिर, और हम लोग मासीबाड़ी में आ चुके हैं। और यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ पर पार्क भी रखा गया है, और चारों तरफ बहुत ही अच्छा सजा कर रखा गया है यहाँ पे। और फ्रेंड्स यही है मासीबाड़ी का मंदिर, जो कि पहले थोड़ा पुराना था, अभी इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। और यहीं पर हमारे जगन्नाथ भगवान आते हैं कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ता के लिए, लगभग 7 दिनों के लिए अपने मौसी के पास आते हैं भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बलराम आते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आप लोग प्रतिमा देख रहे हैं रखा गया उनका, लेकिन यह जुलाई या जून के समय में रथ मेला का आयोजन किया जाता है, और यहीं पर आते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर व्यू है, मेला लगता है फ्रेंड्स यहाँ पर, और किसी दिन में मेला लगता है, पूरा बढ़िया यहाँ पर मेला लगता है देखिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप लोग आइएगा तो ज़रूर यहाँ मेला घूमिएगा जून जुलाई के समय में, जब भी रथ मेला लगता है। कहा जाता है कि पूरा इंडियाज़ में यहाँ सेकंड नंबर पर रथ मेला का आयोजन किया जाता है, तो आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग रनिंग करने के बाद हम अपने जगह पर जाएंगे परतल्ला। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे आके विजिटिंग जरूर कीजिएगा, और हम लोग तब तक के लिए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर आके हम लोग यहाँ पर दौड़ने के बाद देखिए पसीना भी निकल रहा है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, सुबह सुबह ब्लॉग बना सकते हैं, फिर बाहर में
बाद में ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए सुबह सुबह ब्लॉग बना लेता हूँ। दिखता बहुत कम है फ्रेंड्स, हम लोग अब चलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए ब्लॉग को।